और कैसे गुजर रही है जिंदगी, वैसे ही ना लोगों के ताने सुनकर। जब तक जिंदगी में कुछ उखाड़ोगे नहीं तब तक ऐसी ही गुजरेगी जिंदगी, लोगों के ताने सुनकर। लोगों का मुंह बंद करना है तो यार जिंदगी में कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी कुछ बड़ा, क्योंकि परमानेंट नौकरी तो शर्मा जी के बेटे के पास भी है। तो अगर लोगों का मुंह बंद करना है तो शर्मा जी के बेटे की कंपनी का सीईओ बनना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत आपको आज और अभी से करना होगा। कब तक अपने माँ बाप का खाते रहोगे और सेप्टिक टैंक भरते रहोगे? दिन भर मोबाइल लैपटॉप से चिपके रहना, गेम्स खेलते रहना, सोशल मीडिया में लगे रहना, इससे सिर्फ आपका कीमती समय खर्च होगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। रात को 10 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे उठेंगे। दिन में 12-12 घंटे तक सोते रहेंगे और सपने देखेंगे लाखों कमाने का। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जरा बाहर निकल कर देखिए आपकी उम्र के लोग पूरे वर्ल्ड में क्या क्या कमाल कर रहे हैं, कितना नाम और कितने पैसे कमा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, झुंझुना बजा रहे हो। दिन में 10-12 घंटे यानी कि देखा जाए तो साल में 5-6 महीने तो आप सोकर गुजार दे रहे हैं, और महाशय के सपने एकदम बड़े बड़े। माना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब कुछ कल पर छोड़ दो और आज आराम फरमाओ। अरे श्रीमान श्रीमती, आप आज सीखोगे कल सीखोगे तभी तो परसों कुछ दौलत सौरत कमा पाओगे। याद रखिए, आज आप आराम फरमा रहे हैं लेकिन कहीं और कोई ना कोई बहुत मेहनत कर रहा है उस चीज के लिए जिसको पाने का सपना आप देख रहे हो। जाग जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे दोस्त कि बहुत देर हो जाए। मुझे पता है अधिकतर लोग अभी कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लोग उन्हें भाव नहीं देते, मजाक उड़ाते हैं कि क्या कर लिया लाइफ में अब तक। रिश्तेदार अपने बच्चों के परमानेंट नौकरी के बारे में बताकर नीचा दिखाते हैं। याद कीजिए उन लम्हों को जब आपको लोगों के सामने जलील होना पड़ रहा है, और कहिए अपने आप से कि एक दिन ऐसा कुछ उखाड़ूंगा कि जो मुझे भाव नहीं देता, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो भी मेरे तलवे चाटेगा। अरे यही तो वो समय है जब या तो आर या पार। जब हम अपना मनपसंद काम कर रहे होते हैं और घर में कोई हमसे कुछ और काम करने को कह दे तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, खून एकदम गर्म हो जाता है ना। यही गर्म खून के जोश को अगर अभी आपने सही डायरेक्शन में यूज किया तो वो दिन दूर नहीं जब आसमान आपके कदमों में होगा। आपके सपने उस चीज पर डिपेंड करते हैं कि आज आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। आज अपने आप को जितना तपाओगे कल उतना ही आप निखर कर आओगे। आप अभी जिस समय से गुजर रहे हो ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। एक बार ये हाथ से निकल गया ना तो वापस नहीं आने वाला। फिर किसी कोने में बैठकर रोते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। आज के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे उन्होंने इस टाइम में जूते रगड़ रगड़ कर मेहनत की है तब जाकर आज वो इस पोजीशन में है। एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये दोनों 22 की उम्र में ही मल्टी मिलीनियर बन चुके थे, और उसके बाद मार्क जकरबर्ग को सिर्फ 1 साल का वक्त लगा मिलीनियर से बिलीनियर बनने में। और आप क्या कर रहे हो? आप में से कितनों को तो बिलीनियर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। मुझे पता है आप सब लोगों का मकसद सिर्फ मिलीनियर या बिलीनियर बनना नहीं है, लेकिन आपने जो कुछ भी बनने का सोच रखा है आई एम श्योर वो आपका बेस्ट ड्रीम है। तो फिर उसके लिए आपको अपना बेस्ट एफर्ट भी लगाना होगा। अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस करो। हाँ मैं जानता हूं कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो इधर उधर की उल्टी पुल्टी बातों का ख्याल आता है और आपको अपने सपनों को भुलाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो सबसे पहले अपने पहले पन्ने पर ये लिखो कि अभी मैं पढ़ने बैठा हूं क्योंकि मुझे मेरे ड्रीम्स को रियलिटी बनाना है। बस ये एक काम जरूर करना अगर पढ़ते वक्त आपका माइंड इधर उधर भटक जाता है। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। बस जब भी आप पढ़ो तो उसका 100% आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1% भी माइंड के बाहर नहीं जाना चाहिए। कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठकर सुबह की शुद्ध वायु में पढ़ाई करने की। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि अगर सुबह की शुद्ध वायु और शांत वातावरण में कोई काम मन से किया जाए तो उसे इंसान आसानी से नहीं भूलता। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम कोशिश तो करते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं, हम क्या करें सर? आप बस एक काम करना, रात को सोते वक्त एक कॉपी और पेन बगल में रखकर सोना, और सुबह जब अलार्म बंद करने के लिए उठो तो उस कॉपी में बस ये लिखना कि मुझे अपनी लाइफ बर्बाद करनी है इसलिए मैं अभी दोबारा सोने जा रहा हूं। बस कष्ट करके आप इतना लिख देना, फिर देखते हैं कैसे नींद आती है आपको। कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलोगे, इसलिए अपने अंदर के आलसी इंसान को बाहर फेंकिए और अपने काम पर मेहनत कीजिए।
अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, वो आपके मनपसंद की चीजें आपके सामने हाजिर कर देते हैं। हमेशा वो अपने पीठ पर धूप खाकर आपको छांव में रखते हैं, तो उनका भी तो हक बनता है कि वो समाज में गर्व से सर उठाकर ताव में आपका नाम लेकर ये कह सके कि वह आपका बाप है। और ऐसा तभी होगा जब आप कुछ बड़ा उखाड़ोगे। एक बात हमेशा याद रखना, उन लोगों को कभी मत भूलना जो लोग आपको कुछ नहीं समझते, आपको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने आपको जलील करते हैं, क्योंकि यही लोग आपको ताकत देंगे, अपना जी जान लगा देने के लिए मजबूर करेंगे। इन लोगों को अपनी औकात दिखाने के लिए ही सही कुछ बड़ा जरूर करना। आखिर में कुछ मोटिवेशनल लाइंस आपको सुनाना चाहूंगा जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज लाने में जरूर हेल्प करेगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्त, जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जिंदगी में वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। इसलिए अपने आप को उस लायक बनाओ। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। ये जीवन है मेरे दोस्त, उलझेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। पहाड़ से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है, तो फिर आप क्यों हिम्मत हार जाते हैं? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। उसी तरह जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपकी नींद ही उड़ा देती है। अमीर इतने बनो कि दुनिया की कीमती से कीमती चीज खरीद सको, लेकिन कीमती इतने बनो कि अमीर से अमीर आदमी भी आपको खरीद ना सके। जीतने का असली मजा तो तब है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दी बोलकर और हाथ देर से बोलकर। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। इच्छा रखो समंदर की गहराई नापने की, किनारे पर तो जिंदगी की शुरुआत होती है।